नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद क्रॉनिक। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी और मोटिवेशनल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि भाई जो हम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और इसका रीज़न क्या है। तो बेसिकली हम लोगों ने इंडिया में देखा होगा कि हमारे स्कूल्स कॉलेज के अंदर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई बात नहीं करता, ना ऐसी इस तरह की कोई एजुकेशन दी जाती है कि हम लोग कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सके, अपनी लाइफ के अंदर कैसे अपने फाइनेंस फ्रीडम को अचीव कर सके। तो बेसिकली कई तरह के वे हैं मार्केट में, या कई तरह के रास्ते हैं जिन पर आप चल के अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकते हैं। उसमें एक रास्ता शेयर बाज़ार भी है, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हो या इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हो, उनकी अगर बायोग्राफी उठा के देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पैसा लगा के ही इन्वेस्ट करके अपनी मनी को डुप्लीकेट किया है, यानी अपने जो फाइनेंशियल को डबल किया है, बढ़ाया, इंक्रीज़ किया है। तो समझते हैं आखिर ये शेयर बाज़ार होता क्या है, आखिर इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, ये क्यों शेयर बाज़ार बनाया गया था, क्या वजह है, कैसे होता है। चलिए समझते हैं, कुछ टॉपिक है मेरे पास तो शेयर बाज़ार के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ मैं। समझते हैं कि आखिर शेयर बाज़ार की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होता है शेयर बाज़ार। चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये शेयर बाज़ार क्यों होता है। तो सबसे पहले शेयर बाज़ार को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये शेयर बाज़ार और ये बाकी चीज़ें होती है। जैसे कि हमारे बैंकिंग फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला एक सेक्टर है जिसको कहते हैं RBI। ये देखिए फ्रेंड्स, RBI हमारे जितना भी फाइनेंशियली वो होता है, लेन देन होता है मुद्रा का, उसको कंट्रोलिंग जो करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, उसके अंडर में सारी बैंक्स और सारे म्यूचुअल फंड जितने भी कोऑपरेट चल रहे हैं, यानी कि जो बैंकिंग हो गए या जो लेन देन का काम करते हैं, वो सारे RBI के अंडर में काम करते हैं। ऐसे ही जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर होता है, तो जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर होता है सारा रेगुलेट किसके अंडर में वर्क करता है, वो वर्क करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA के अंडर में वर्क करता है। जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर का वर्क होता है, चाहे उसमें जनरल हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई सा भी इंश्योरेंस सेक्टर हो, वो सारा रेगुलेट किया जाता है IRDA के माध्यम से। ऐसे ही शेयर को खरीदने बेचने के लिए जितना भी रेगुलेट किया जाता है, वो SEBI के अंडर रेगुलेट किया जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI के अंदर जितना भी शेयर खरीदा बेचा जाएगा या कंपनियां कौन सी आएंगी और जाएंगी, वो सब चीज़ रेगुलेट किया जाएगा SEBI के अंडर में। तो समझते हैं कि आखिर SEBI के माध्यम से फिर हमें शेयर कैसे खरीदना और बेचना है। तो SEBI को जो रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है हमारा, देखिए मैं NSE की साइड पर जा रहा हूँ, ये NSE है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज की वेबसाइट पर देखेंगे हम, तो ये भी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज है, सारा चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। कंपनियों को अगर मार्केट से पैसा चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को, तो वो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करेगी NSE और BSE, ये देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड करेगी, जब जाके वो मार्केट से पैसा या फंडिंग रेज कर सकती है। और इस बीच में अब ये देखिए किसी कंपनी XYZ कंपनी ने अपने आप को SEBI और NSE पे रजिस्टर्ड कर लिया, बट उसके बाद भी हम लोगों को अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो हम उसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी, और ब्रोकर जो कंपनी है जैसे लाइक जिरोधा, एंजल ब्रोकर, ऐसे मोतीलाल ओसवाल, ऐसे कुछ ब्रोकर हैं जो हमारे को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म देते हैं, जिनके माध्यम से हम डीमैट, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और गाइस, अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं, अब तो हमने समझ लिया NSE होता है, BSE होता है, SEBI होता है, अब एक ब्रोकर चाहिए होता है, ब्रोकर हमारा लाइक जिरोधा, एंजल ब्रोकर, मोतीलाल ओसवाल, ये ब्रोकर होते हैं हमारे। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, तो आप किसी भी कंपनी के शेयर और बाय खरीदने के लिए आपका डीमैट अकाउंट से आप परचेस और सेल और बाय कर सकते हैं। पहले तो हार्ड कॉपी होती थी, अब तो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से या ऑनलाइन अकाउंट आप ओपन करते हैं, उसके माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट के द्वारा किसी भी कंपनी के शेयर और बाय सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कंपनियों को लोगोस दिखाऊंगा कि आपके इर्द गिर्द घूम रही है कंपनियां, और आप समझ नहीं पाए कि आज तक की कंपनियां, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें आप ट्रेड तो कर सकते, क्योंकि जैसे आप वर्किंग नहीं कर सकते, मगर उनके मालिक बन सकते हैं। उनके मालिक कैसे बन सकते हैं, उनके शेयर खरीद के, क्योंकि शेयर के माध्यम से कंपनियां आपको कुछ हिस्से का अपना वो बनाती है, क्या बोलते हैं, पार्टनर बना लेती है। जैसे कि ये कंपनियां आप देख रहे हैं,
इसमें आप कंपनियां देखेंगे, ये देखिए कंपनियां रिलायंस, टाटा, ये सब आपने आसपास देखी होंगी, सेबी, ये अल्ट्राटेक, ये सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आपने यूज़ भी करेंगे, आपके घर में भी इनमें से किसी कंपनी के प्रोडक्ट होंगे। तो अगर आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसों को डे बाई डे ग्रोथ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल और देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, मैरिको, ब्रिटानिया, और ये अपना कॉलगेट, डाबर, ये प्रोडक्ट आपके घर में आते होंगे। ठीक है, कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, आपको पता कंपनी को वर्किंग कर रही हैं, तो कंपनी के साथ आप अपने पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर खरीद के इनके शेयर बाय करिए। आपको लगता है कंपनी ग्रो करेंगी तो कंपनी आपको प्रॉफिट का कुछ मार्जिन भी पे करती हैं। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट आता है या कंपनी के बड़े डील होते हैं उसमें आपको प्रॉफिट का शेयर होल्डर भी देती हैं। जैसे कि सपोज करो XYZ कंपनी का, आपने किसी कंपनी का 10 रुपये का शेयर खरीदा, अगर कंपनी प्रॉफिट में होती है, कंपनी 15 रुपये का शेयर हो जाता 2 महीने के अंदर, तो वो शेयर जो आपने 10 रुपये में खरीदा था उसकी वैल्यू आज 15 रुपये हो गई, और कंपनी को कोई बड़ी डील मिलती है वहाँ से प्रॉफिट होता, कंपनी आपको 1 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट देती है। जैसे आप सपोज 100 शेयर थे तो आपको 100 रुपये का डिविडेंड और दे दिया कंपनी ने। इस तरह से शेयर बाज़ार काम करता है। अब जान लेते हैं कि शेयर बाज़ार के माध्यम से ऐसे कोई लोग हैं जो वर्ल्ड के अंदर या जिन्होंने शेयर बाज़ार से बहुत सारा पैसा कमाया। जैसे कि अब मैं गूगल पर जाता हूँ, गूगल पर देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति का नाम ज़्यादा ही फेमस है, वॉरेन बफेट वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफेट को हर कोई फॉलो करना चाहता है, बट वॉरेन बफेट के तरह कैसे इन्वेस्ट किया जाता है उस पर कोई बात नहीं करता है। ये वॉरेन बफेट हैं, वॉरेन बफेट के माध्यम से लोग हम समझेंगे कि भाई ज़रूरत क्यों पड़ी है, लोगों को अवेयरनेस आ गई एकदम से वॉरेन बफेट जी के द्वारा कि भाई ये व्यक्ति भी अच्छा इन्वेस्ट करता था। तो ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के कुछ इन्वेस्टर हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे इन्वेस्टर हैं, हिंदुस्तान के पहला इन्वेस्टर हम जाते हैं, मैं ओपन करता हूँ। तो पहले इन्वेस्टर हमारे हिंदुस्तान के राकेश झुंझुनवाला जी। राकेश झुंझुनवाला की स्टोरी बहुत ही अल्टीमेट है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो राकेश झुंझुनवाला की वीडियो सर्च करिए, राकेश झुंझुनवाला के बारे में पढ़िए कि कैसे वो कुछ पैसों से आज करोड़ों रुपए में डील कर रहे हैं। ऐसे ही सेकंड हैं राकेश धमानी जी, फाउंडर ऑफ डीमार्ट। राकेश धमानी जी आप देख रहे हैं, ये भी जीरो से हीरो बनने वाले हैं। इंडियन है ये, देखिए 12वीं पास थे इन्होंने, 12वीं पास कैसे, 12वीं पास व्यक्ति ने कमाए 1,24,000 करोड़ रुपये मार्केट से, समझ सकते हैं, इमेजन। और ये देखिए अपना भाग्य अपने हाथ में, श्री रामदेव अग्रवाल जी, को फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल, ये 0 से 1,400 करोड़ कमाते हैं, एक किसान के बेटे होते हैं ये। तो मार्केट हर किसी को कमाने का मौका देती है, हर किसी को अपना लक आजमाने का मौका देती है। देखिए बाज़ार के अंदर पेशेंस के साथ आपको इन्वेस्ट करना है, ये सट्टा की तरह काम नहीं करना है कि भाई आ जाए अपने कुछ शेयर बाय सेल करें। इसके अंदर पेशेंस रखना होता है और डे बाय डे अपने पैसों को ग्रो करने के लिए आपको समय देना पड़ता है। मार्केट में आए हो तो पैसा कमा के जरूर जाओगे डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट हर किसी को कमाने का मौका देता है। और इंडियन मार्केट में अभी तो बहुत ग्रोथ है बाकी है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट स्टॉक में किया जाता है। बहुत से लोग आज भी RD और FD के अंदर ही डील कर रहे हैं। अल्टीमेटली कंपनी करती क्या है, RD FD का जो पैसा कंपनी को आप देते हैं वो अल्टीमेटली ही मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती हैं। इस चीज़ को आप कोई नहीं समझ रहा है, हर कोई लगा हुआ RD FD लेने में। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत ग्रो बाकी है, मार्केट यहाँ का बहुत तेज़ी से बूम करेगा आने वाले 10 साल के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेप खुद लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग अब डायरेक्ट शेयरों के अंदर डील कर रहे हैं। किसी अब पर्टिकुलर कंपनी को डील करने से अच्छा आप खुद शेयर को बाय करिए, सेल करिए। तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, तो डीमेट अकाउंट अपना ओपन करिए, आज से ही छोटे से इन्वेस्ट स्टार्ट करिए, चाहे 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे 10 साल बाद वही पोर्टफोलियो आपका करोड़ों में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस कंपनी के कब कौन से शेयर खरीद रहे हैं। कंपनियों के प्रोडक्ट हमारे घर में ही हैं, हमें लगता है इस कंपनी का प्रोडक्ट ये जेन्युइन है, आगे चल के और भी ज़्यादा इस कंपनी ग्रो हो सकती है, तो उस कंपनी पर आप इन्वेस्ट करिए। छोटे अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक शेयर लेके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ साथ, और डिलीवरी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता ब्रोकर का। तो आई होप आज आपको समझ आया होगा कि मार्केट होता क्या है, मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है, और मार्केट से कैसे इन्वेस्ट से पैसा कमाया जा सकता है। देखा ना आपने कि जीरो से हीरो भी बने लोग वह यहाँ पे। तो आई होप आप भी नेक्स्ट बिलियनर हो सकते अपनी फैमिली के अंदर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका अभी भी कोई सवाल जवाब है मार्केट को लेके या किसी पर्टिकुलर शेयर को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।